मैं कंगना दीदी को पहले लाऊंगा बीच में, मतलब क्यों कंगना दीदी को ना सीखना चाहिए कि देशभक्ति क्या होती है। तेजस से जैसा कचरा बनाने से अच्छा है फाइटर जैसा ब्लॉकबस्टर मूवी बनाओ। क्या मूवी बनाया यार, सिद्धार्थ आनंद की जितनी भी आप पिछले फिल्में देखोगे ना, बैंग बैंग, वॉर, पठान, अब वो मूवी देखने के बाद ना फाइटर बोलोगे यार पठान इसके सामने कुछ नहीं था, बैंग बैंग कुछ नहीं था, वॉर भी कुछ नहीं था। इन्होंने यार ये मूवी को अभी तक नहीं देखा ना, प्लीज़ इस मूवी को देखो आप। रिपब्लिक डे का मौके पर रिलीज हुआ है, मैं बोलूँ ना इस मूवी का जो रिलीज डेट इन्होंने ये डाला है ना, इससे बेटर रिलीज डेट हो ही नहीं सकता था यार। फुल देशभक्ति वाली फील आती है मूवी, एक एक सीन देखोगे ना आप पागल हो जाओगे। अगर बेस्ट एक्सपीरियंस करना है ना मूवी को, आप 3D में देखो आप पागल हो जाओगे इसके विजुअल्स देख के। जिस तरीके से इन्होंने VFX इस्तेमाल किया ना, आपने रनवे 34 देखा होगा उसमें VFX पता चलता है एकदम कचरा VFX था, लेकिन यहाँ पे आप बोलोगे कि VFX नहीं है, ऐसा लगेगा कि आप रियल देख रहे हो हर एक सीन यार। और इसमें जो डायलॉग्स लिखे ना उसको हेड्स ऑफ, क्या डायलॉग्स लिखे हैं, एक एक डायलॉग्स पे ना आप सीटी और ताली बजाओगे। सब डायलॉग्स अच्छे यार, वो कफन कफन और दफन वाला जो डायलॉग्स आने जा रहा है, क्या डायलॉग है यार, मैं पागल हो गया सुन लो यार। किसने लिखा डायलॉग भाई, उसको लेके आओ यहाँ पे, क्या डायलॉग लिखे आओ। सिद्धार्थ आनंद क्या बना दिया भाई, क्या डायरेक्शन ला दो आप, जबरदस्त। दोनों की केमिस्ट्री कैसी लग रही है, दीपिका पाडुकोन और ऋतिका, अगर केमिस्ट्री की बात करें ना यार, देखो अभी ये केमिस्ट्री हम लोगों को ना बहुत पहले देख लेनी चाहिए थी, लेकिन सिद्धार्थ आनंद ने बहुत लेट दिखाया, जबरदस्त। दीपिका पाडुकोन का काम भी बहुत जबरदस्त है। देखो अभी ना इसमें एक मैसेज भी है दीपिका पाडुकोन को लेके, हमारे देश में ना वो बेटियों को आगे देखना नहीं पसंद करते हैं। कोई भी बाप माँ अपनी बेटी को ना चूल्हा चौकी पे घर पे बैठा के रखते हैं और शादी करके भी बोलता है तू ससुराल में भी चूल्हा चौकी करो, लेकिन दीपिका पाडुकोन का जो कैरेक्टर है ना वो आपको ये मैसेज देती है ना कि हर एक लड़की सोल्जर बन सकती है, कोई भी काम कर सकती है। ये ज़रूरी नहीं है कि वो लड़का कर सकता लड़की नहीं कर सकती, नहीं लड़की भी कर सकती है, लड़की भी आगे बढ़ सकती है और लड़की को भी एक दर्जा है लड़के से ऊपर का। सब बात छोड़ते हुए कितना रेटिंग देना चाहोगे मूवी को? रेटिंग मत दो यार इस मूवी को, देखो अभी सोल्जर एक कॉमेडी के बाद में सीरियस मोड में आता हूँ मैं। तो ये मूवी सोल्जर की कहानी है, एयरफोर्स पायलट की कहानी है, तो यार हम लोग सोल्जर को रेट्स नहीं करते जो हमारे इंडियन सोल्जर हैं, तो जाहिर सी बात है यूनिवर्स यूनिवर्स दे दो यार यूनिवर्स। क्या एंजॉय किया फिल्म में? एक्शन की काफी तारीफ हो रही है, सबकी अच्छा है। ऋतिक रोशन कैसा लग रहा है यूनिफॉर्म में? वही अच्छा लग रहा है, यूनिफॉर्म सूट हो रहा है उनके ऊपर, दीपिका पाडुकोन वगैरह उसको भी अच्छा लगा, फुल पैसा वसूल, लोगों को पसंद आएगी? हां अरे तो पसंद है सबको, क्या बात है क्या बात है। क्या एंजॉय किया फिल्म में सबसे ज्यादा? क्या फाइटिंग शूट अच्छा था, इमोशन भी बहुत अच्छा दिया था प्ले करने के लिए, पर दीपिका पादुकोण को रोल ज्यादा नहीं मिला, फाइटिंग कराना चाहिए तो बहुत अच्छी जाती है। फाइटिंग सीन्स वगैरह कैसे फिल्म के? फाइटिंग बहुत अच्छी, एरियल शूट बहुत अच्छा, फिर खतरनाक, लोगों को पसंद आएगी लोगों को। अच्छा ऐसी फिल्में हमने हॉलीवुड फिल्मों में देखा है, इंडियन फिल्म वर्जन में कैसा लग रहा है? इंडियन फिल्म वर्जन में मतलब वो लोग टेढ़ी लोग आता है कलर की रहता है उनका, अपने हिसाब से बहुत अच्छा है। और क्या कहना रहेगा, यूनिफॉर्म कितना सूट हो रहा है ऋतिक रोशन पे, लोगों को पसंद आएगी? आएगी। क्या लगता है जैसे हॉलीवुड फिल्मों के सीक्वल्स बने, इसका भी सीक्वल वगैरह बनना चाहिए? नहीं ये ओरिजिनल ठीक है, सीक्वेंस बना के मतलब नहीं है। ओके व्हाट्स योर रेटिंग आउट ऑफ 5? 5 में से क्या? 4.5 तो अच्छी है। एरियल एक्शन पे थोड़ा कॉन्सेप्ट सबको हजम नहीं हो रहा है क्योंकि अभी करा एक्शन की तो मिला नहीं है क्योंकि एरियल एक्शन है, लेकिन मैं बोलूँगा सर सर जैसे नहीं है आप देख सकते हो मूवी एक्शन तो बहुत, क्योंकि पहली बात है ना एरियल एक्शन को इमेजिन करना बहुत मुश्किल होता है, जैसे आप किसी को इमेजिन कर लोगे इनका बड़ी बात है कि सिद्धार्थ आनंद ने प्रदीप उतारा, इसके पहले एरियल एक्शन पे तेजस आई थी वो तो क्या नॉर्मल क्या वो वीडियो गेम थी, मैं देखा मैंने कौन डायरेक्टर क्या मालूम, लेकिन सिद्धार्थ आनंद तो क्या मालूम बैठ लगे इस बार ओपनिंग लगी पिक्चर को सिर्फ 24 करोड़ अनएक्सपेक्टेड ओपनिंग लगी है। अभी आज रिपब्लिक डे पे क्या ही पूछ रहा था देखते, क्योंकि मूवी का बजट ह्यूज है 300 करोड़ से भी मूवी है ना, जब हम देखते लगता है बिग स्केल पे शूट हुआ है मूवी, या बिग स्केल पे शूट हुआ है। VFX में सिद्धार्थ आनंद ने काम अपना बेस्ट दे दिया है, एक्शन की काफी तारीफ हो रही है, एरियल एक्शन की काफी तारीफ हो रही है। सिद्धार्थ आनंद ने ना हमेशा उनकी मूवीज में कुछ ना कुछ अलग लेके आते, इस बार एरियल एक्शन हवा में एक्शन लेके अच्छा है,
परफॉर्मेंस की बात करें तो स्टार कास्ट एकदम अच्छी है, ऋतिक और दीपिका की नई जोड़ी है, केमिस्ट्री भी अच्छी है, सॉन्ग्स आर ऑल गुड, डायलॉग्स आर ऑल गुड, ओवरऑल फैमिली एंटरटेनर है, सपोर्ट करो इसे। अच्छा पेट्रियोटिज्म कितना भर भर के इस फिल्म में? पेट्रियोटिज्म बहुत है, सिद्धार्थ आनंद की कोई भी मूवी देखो बहुत पठान, उनको पेट्रियोटिज्म पसंद है, तो वो आप देखोगे ना तो पेट्रियोटिज्म की मूवी में मिलते ही आपको, तो पेट्रियोटिज्म तो है मूवी में। जब वो बोलते हैं ना इंडिया ऑक्यूपाइज पाकिस्तान, सर जी सनी देओल और गदर के बाद आपने मूवी में पाकिस्तान ऑक्यूपाई कर लिया है। क्या बात है, लोगों को पसंद आएगी ऐसे डेफिनेटली जाओ। क्या 5 में से स्कोर देंगे? 4.5। थैंक यू, एंजॉय किया पूरी मूवी, एंजॉय की जब से चालू होती है मूवी, जब खत्म होती है उसमें एक सेकंड में ऐसा सीन है जब आप बोलोगे कि यार ये क्या चल रहा है मूवी के अंदर, ये डायलॉग अच्छा है, वो जिस तरह डायरेक्शन है, जिस तरह एक्टिंग है किरदारों की, फुल पैसा वसूल है, पैसा वसूल में तो मेरा मन कर रहा है कि मैं एक शो देख जाऊँ। क्या बात है, इंडियन फिल्म इंडस्ट्री में फर्स्ट टाइम एरियल एक्शन फिल्म बनी है, क्या लगता है कितना जबरदस्त तरीके से प्रेजेंट किया है एरियल एक्शन फिल्म? प्रेजेंट तो अच्छा गया सिद्धार्थ आनंद जी, बिल्कुल थोड़ी एक्सपेक्टेशन थी बिकॉज हम बोर्ड देख के आए थे, पठान देख के आए थे, उसके बाद उतनी ही उम्मीद थी फाइटर से, बट मैं बोल सकता हूँ कि फाइटर उससे कहीं ज़्यादा अच्छी है। क्या बात है, एक्शन वाइज डायरेक्शन वाइज मतलब काफ़ी इम्प्रूव हुआ है डायरेक्शन। एयरफोर्स के जॉनरा में अगर बात करें ऋतिक रोशन के ऊपर, वो यूनिफॉर्म कितना सूट हो रहा है? अरे सर मुझे तो वो उनका एक लक्ष्य लक्ष्य याद आ गया, बस वो जब उधर होते हैं उस यूनिफॉर्म पर, जिस तरह वो अपने आंसू को होल्ड कर रहे हैं अपनी आंखों में, ऐसा कौन सा पर्टिकुलर सीक्वेंस या फिर सीन सबसे ज़्यादा पसंद लगा फिल्म में? ज़्यादा मुझे वो अच्छा लगता है जब वो बोलता है इंडियन ऑक्यूपाइड पाकिस्तान, जब नेहा सिंह जो उनकी वाइफ होती है, जब दिखाते हैं कि जैसे उनकी जैसे उसके एक सेकंड के चक्कर में, तो वो बहुत ज़्यादा सीन था, बहुत वो लाइक रोने वाला सीन था काफ़ी। रिपब्लिक का डे है, क्या कहना रहेगा ऑडियंस से? क्या रिपब्लिक का डे, मैं तो कहता हूँ मैं भी इसलिए आ जाया था बिकॉज मैं कल इसलिए नहीं गया कि मेरा देश का दिन है, देश के लिए देखेंगे पिक्चर, मेरा मन कर रहा है कि मैं एक शो जाकर देखूँ, तो आपको भी यही रिकमेंड करूँगा कि आप प्लीज़ एक शो या दो शो तीन जितना आपका मन करे उस हिसाब से नज़दीक रेटिंग आउट ऑफ 6, 7, 8। थैंक यू अनिश भाई।